नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं Lallantop.com। सोशल मीडिया के ट्रोल्स क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कह सकते हैं, इसका सबसे हालिया उदाहरण विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हैं। 24 जून को सुषमा ने कुछ ऐसे ट्वीट्स को रीट्वीट किया जिसमें उन्हें अपशब्द कहे गए और बाकायदा उन्हें गालियाँ दी गई। इसके साथ ही सुषमा स्वराज को फेसबुक पर ट्रोल किया जा रहा है और उनके पेज की रेटिंग कम करने की कवायद शुरू कर दी गई है। और ये सब शुरू हुआ है एक पासपोर्ट के विवाद के कारण। नोएडा के रहने वाले मोहम्मद अनस सिद्दीकी और उनकी पत्नी तनवी सेठ ने लखनऊ में 19 जून को पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। मोहम्मद अनस के पासपोर्ट का रिन्यूअल होना था जबकि तनवी सेठ का नया पासपोर्ट बनना था। 20 जून को दोनों को लखनऊ के रतन स्क्वायर में बुलाया गया। तनवी के मुताबिक जब कागजात एक काउंटर पर पहुंचे तो पासपोर्ट अधिकारी विकास मिश्रा ने कहा कि उन दोनों के धर्म अलग अलग हैं और इस वजह से वो पासपोर्ट जारी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि दोनों सात फेरे ले लें और धर्म बदल कर शादी कर लें तब पासपोर्ट जारी हो जाएगा। हालांकि विकास का दावा ये था कि तन्वी के कागजात में नाम अलग अलग थे और इस वजह से उन्होंने पासपोर्ट बनाने से मना कर दिया है। इसके बाद अनस और तन्वी ने धर्म की वजह से पासपोर्ट न बनाए जाने को लेकर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर विजय द्विवेदी से शिकायत कर दी और पूरी घटना को ट्विटर पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बताते हुए टैग कर दिया। इसके तुरंत बाद ही तन्वी सेठ का पासपोर्ट अगले ही दिन जारी कर दिया गया। बाद में ये भी सामने आया कि पासपोर्ट अधिकारी विकास मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनका तबादला गोरखपुर के लिए कर दिया गया है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद विकास मिश्रा का तबादला रोक देने की भी बात सामने आई थी। लेकिन जब सुषमा स्वराज को ट्विटर पर टैग करने के एक दिन के बाद ही तन्वी को उनका नया पासपोर्ट मिला तो सोशल मीडिया पर लोग पूरी तरह से भड़क गए। सोशल मीडिया पर आरोप लगाया जाने लगा कि ट्विटर की वजह से तन्वी का पासपोर्ट बन गया है जबकि उनके कागजात की जाँच भी नहीं की गई। कहा यह भी जाने लगा कि तन्वी और उनके पति नोएडा में रहते हैं लेकिन उन्होंने पासपोर्ट लखनऊ के पते पर बनवा लिया है जो गलत है। इसके बाद पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से मोहम्मद अनस और तन्वी सेठ के पते की जांच का काम लखनऊ पुलिस को सौंप दिया गया। लेकिन ट्रोलर्स तो ट्रोलर्स हैं, उन्हें मौका मिल चुका था। पहले तो उन्होंने सोशल मीडिया पर आई स्टैंड विद विकास मिश्रा नाम से हैशटैग शुरू किया। इसके लिए तो सुषमा स्वराज को जिम्मेदार ठहराया गया और उन्हें खूब भला बुरा कहा गया। लेकिन भारत में जब ये सब हो रहा था विदेश मंत्री सुषमा स्वराज देश से बाहर थी। वो 17 जून से 22 जून तक इटली, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और यूरोपियन यूनियन के दौरे पर थी। 24 जून को जब वो भारत लौटी तो उन्होंने एक ट्वीट लिखा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है कि उनके देश में न रहने के दौरान क्या क्या हुआ। हालांकि मैं कुछ ट्वीट से सम्मानित महसूस कर रही हूँ और मैं उन ट्वीट्स को आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ, इसलिए मैंने उन्हें लाइक किया है। ये सुषमा स्वराज का वो तंज था जो उन्होंने ट्रोलर्स पर कहा था। भारत लौटने के बाद सुषमा स्वराज ने अपने खिलाफ किए गए 60 ट्वीट्स को लाइक किया और कुछ को रीट्वीट भी किया। लेकिन ये कौन लोग हैं जिन्होंने सुषमा स्वराज को इतनी गालियाँ दी और जिन्होंने सुषमा स्वराज को खूब भला बुरा कहा? सोशल मीडिया पर एक केंद्रीय मंत्री को गालियाँ देने वालों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके फॉलोअर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के बड़े बड़े नेता और सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं। ट्वीट में लिखा है कि आप अपना एक मुस्लिम नाम रख लीजिए और आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, सुषमा स्वराज को टैग कीजिए और आपका पासपोर्ट एक दिन के अंदर मिल जाएगा। इस ट्वीट को करने वाली कॉलमिस्ट हैं शेफाली वैद्य, जिनको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, आरके सिंह, गिरिराज सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी और बीजेपी के महासचिव राम माधव फॉलो करते हैं। इसके अलावा भी ट्विटर पर लिखा गया है कि मुस्लिम को तो सुषमा स्वराज एक ट्वीट पर खुद उसके घर जाकर पासपोर्ट दे आती हैं, बल्कि गलती न होने के बाद भी पासपोर्ट ऑफिसर को पनिश भी करती हैं। विश्वास न हो तो अपना नाम मुस्लिम करके यही ट्वीट एक बार फिर से करके देख लो, आप फिर देखो तमाशा। इस ट्वीट को करने वाले गोपाल शर्मा को ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी फॉलो करते हैं। नया पासपोर्ट जल्दी बनवाने के लिए यह नया पहचान पत्र है, धर्म मुस्लिम और जाति दलित, यह सब पहचान पत्र लेकर लाओ और पासपोर्ट जल्दी बनवाओ। इस ट्वीट को करने वाले राकेश कुमार राय को भी पीयूष गोयल फॉलो करते हैं। ट्विटर पर किसी को फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो सोशल मीडिया सबके लिए खुला हुआ मंच है, जो जिसको चाहे फॉलो कर सकता है, अपनी बात कह सकता है, दूसरे की बात सुन सकता है। लोग फॉलो भी किसी को इसीलिए करते हैं ताकि उसकी सोच को जाना सके, उसकी बात को समझा जा सके। लेकिन जिन लोगों ने फेसबुक और ट्विटर पर सुषमा स्वराज को गालियाँ दी हैं उनको देश के सबसे जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग फॉलो कर रहे हैं। देश की रक्षा मंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई केंद्रीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री तक उन लोगों के विचार जानने के लिए उनको ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं, जो उनकी ही कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री को लगातार अपशब्द कह रहे हैं, उन्हें लगातार गालियाँ दिए जा रहे हैं। अब इसे सिर्फ इस नज़रिए से तो नहीं ही देखा जा सकता है कि इतने जिम्मेदार लोग ऐसी सोच को जानने के लिए किसी को भी ट्विटर पर फॉलो करते हैं जो सिर्फ गालियाँ देता हो। सुषमा स्वराज केंद्रीय मंत्री हैं, ट्विटर पर उनके 1 करोड़ से भी ज़्यादा फॉलोअर हैं, फेसबुक पर भी उनके 30 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं और उन्हें पसंद करने वाले लोग हैं। ऐसे में अगर सुषमा स्वराज को ट्रोल आर्मी इतनी आसानी से निशाना बना सकती है और उनके खिलाफ कैंपेन चला सकती है तो फिर आम आदमी का क्या हासिल होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और अगर आप इसका यूट्यूब कट देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।